जनपद संबल के विकासखंड पवासा क्षेत्र के गांव अतराशी में बुखार से 400 से 500 लोग बुखार से पीड़ित हैं, जिसमें दो तीन दिन के अंदर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि हर घर से कोई न कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। गांव से सरकारी अस्पताल मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकरण की भनक तक नहीं लग पाई, क्योंकि सरकारी डॉक्टर एसी में बैठकर इलाज कर रहे हैं। उनको गरीब मजलूम लोगों की जिंदगी से क्या सरोकार, अगर गरीबों की जिंदगी इतनी कीमती होती तो शायद लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले डॉक्टर गांव में जाते, क्योंकि मौसम बदलते ही बुखार ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ये तो एक गाँव की बात है, बल्कि अन्य गाँव में भी बुखार के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की पंजीकरण खिड़कियों पर भी बड़ी से बड़ी लाइनें लग रही हैं, जबकि दवाई देने वाले डॉक्टरों को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया कि बुखार किस हद तक गांव में फैल चुका है, क्योंकि गांव में सिर्फ गरीब लोग ही निवास करते हैं। जिनके पास रुपया नहीं होता वे लोग सरकारी अस्पतालों के शरण में जाते हैं, जहां पर उनको इलाज नहीं बल्कि मौत मिलती है। अगर डॉक्टर समय समय पर चेकअप और जानकारियां रखे तो मैं समझता हूं उन गरीब बेसहारा लोगों की मौत नहीं हो पाएगी। हमारा ये मानना है कि कल हमारे गांव में 4 मौतें हुई थी, जिसमें एक जो छात्र खत्म हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, वो फीवर से हुआ है। बाकी मौतों का जो कारण है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे किस कारण से हुई है। फिलहाल कंडीशन गांव में ये है कि इस समय गांव में 400 से 500 लोग फीवर से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है, मतलब उसके लिए प्रशासन से आपने क्या कुछ किसी शिकायत की? CMO साहब से कल बात की थी, उन्होंने गांव में आज कैंप लगवाए हैं, जगह जगह लोग दवाई ले रहे हैं, उसके बाद उन्हें क्या राहत मिली। अच्छा, कब से ये लोग बुखार से पीड़ित हैं? ये लोग लगभग एक हफ्ते से। क्या एक हफ्ते से पीछे से, अगर दो दिन पीछे हट के देखा जाए तो क्या स्वास्थ्य विभाग का कोई आदमी दवाई देने गाँव आया? नहीं आया ना। कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से सरकारी अस्पताल? 2 किलोमीटर। अच्छा, आपका क्या नाम है? तो कौन सा गांव आपका? अतराशी। इस बच्ची को क्या बात है? सर बुखार आया। फिर बुखार दे गया, ठंड आ गई, फिर दवाई दिलाई। दवाई अभी। अब फायदा है इसको? गांव में और भी लोगों को बुखार है? बहुत हैं। लगभग कितने होंगे? लगभग तो होंगे 100-200। मतलब 100-200 लोग बीमार हैं। तो क्या पहले से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं आए थे दवाई देने? कोई डॉक्टर नहीं आए। तो आपका क्या नाम? कपिल कुमार। ये कौन सा सेंटर है? पवासा। आप जो यहाँ पर टेस्ट करते हैं मलेरिया की, तो एक दिन में लगभग कितने लोगों को मलेरिया प्रमाणित हो रही है? नहीं, मलेरिया प्रमाणित नहीं होती है, यह केवल फीवर केस का स्लाइड बनती है जी, उसकी जांच की जाती है। महीने में 4, 5, 6, 7 तक मलेरिया के केस निकल आते हैं। डेली मरीज कितने आ रहे हैं यहाँ पर बीमार? कम से कम नहीं, मरीज तो आ रहे हैं कम से कम 600-700 डेली जो बुखार से पीड़ित आ रहे हैं। नहीं, सारे सभी बीमारियों के जो PSC पा रहे हैं, बुखार से पीड़ित 60-70 मरीज हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, बुखार। जैसा कि मैडम, एक पमासा ब्लॉक क्षेत्र में गांव अतराशी, यहां पर बताया गया है कि बुखार से कुछ लोगों की मौत हो गई, तो ये स्वास्थ्य विभाग को उसके बारे में कैसे जानकारी नहीं हुई, क्यों नहीं पहुँच पाए वहाँ पर लोगों को? मुझे उसी गांव के एक व्यक्ति द्वारा और उसके बाद एक दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार बंधु द्वारा और पुनः उसी गांव के एक और व्यक्ति द्वारा कल दिन में लगभग 12:30 के करीब मुझे फ़ोन आए थे। इस तरह से मुझे इसका संज्ञान मिला। अच्छा, वहां पर कितने लोगों की मौत हो गई है बुखार से, कितने लोग पीड़ित हैं वहां पर? उसमें ये है कि हमने कल जो टीम भेजी थी तो उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु के बारे में बताया गया, और उसमें शाम को मैं भी गई थी लगभग 7:15 उस गांव में, और मैंने गांव प्रधान और ग्रामवासियों के साथ वहां पर एक चौपाल की थी 7:30 से 8:30 तक, और उसमें गांव वालों को बताया गया था कि किस प्रकार से वो अपना जो ये सीजनल बुखार चल रहा है इससे बचाव कर सकते हैं, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, 108 को कॉल कर सकते हैं, आशा को संपर्क करें। अच्छा, आपके अनुसार गांव में कितने लोग बुखार से पीड़ित हैं? मेरी टीम कल गई और लगभग 231 मरीजों का उन्होंने कल परीक्षण किया, तो उसमें से लगभग 120 मरीज सीजनल वायरल बुखार से पीड़ित हैं, और उनमें से 50 मरीजों की स्लाइड बनाई गई और 50 का रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा जांच की। जैसा कि मैडम तो आपके उसमें स्लाइड में तो सिर्फ एक व्यक्ति प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाली मलेरिया से पीड़ित पाया गया, और RDT में 3 मरीजों को प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से पीड़ित होना बताया गया। जैसा कि मैडम आपके द्वारा बताया जा रहा है कि गाँव के व्यक्ति द्वारा हमें सूचना दी गई
आपका स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रथम श्रेणी आशा कहलाती है, उसका एक कार्य सबसे प्रथम कार्य यही होता है कि स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना। तो आप इसमें उसकी लापरवाही मानेंगे या किसकी लापरवाही मानेंगे? उसमें देखिए ऐसे आशाओं को तो हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं MOIC के माध्यम से, और कल मैं गांववासियों को भी इस बारे में समझा के आई हूँ कि किसी भी बुखार को वो इस तरह से ना लें, हल्के से ना लें, तुरंत आशा को खुद भी स्वयं भी वो संपर्क करें, और कोई दिक्कत होती है तो 108 को भी कॉल कर सकते हैं, MOIC को कॉल कर सकते हैं, और उनके गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे ही पमासा की CSC स्थित है, वहाँ तत्काल जाएं, किसी भी वक्त जाएं तो उन्हें उपचार मिले। अच्छा, आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है वहाँ पर जो जिससे कि बुखार से पीड़ित लोगों को राहत मिल सके? उसमें ये है कि आज भी मेरी 2 टीमें वहाँ गई हैं, और जो वहाँ पर दोनों टीमें 2 जगह पर बैठी हैं, और एक तो राशन डीलर की जहाँ पे दुकान है वहाँ बैठी है, और एक ग्राम प्रधान के द्वारा बताए गए स्थान पे बैठी है, और लगभग 596 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया है। अब उसमें यह है कि चूँकि टीम जा रही है तो जो भी गांव में व्यक्ति अगर उसको बुखार नहीं भी है तो अगर वो किसी चीज़ की दवा चाहता है तो वो भी उनको दी जा रही है, तो इसमें वो समरी मेरे पास अभी आएगी कि कितने व्यक्ति बुखार, खुजली, खारिश, दस्त, गैस्ट्राइटिस या किसी अन्य रोग से पीड़ित हैं, तो उसके अनुसार वो आख्या में बनाकर शासन को और अपने अपर निदेशक महोदय को और DM सर को पेश करें।